हे एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू दिस चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर ऑल द गेट एस्पिरेंट्स। बहुत लोगों ने मेरे को ये पूछता है कि भैया प्रिपरेशन तो अच्छे से चल रहे, बहुत अच्छे से चल रहे, बहुत कुछ हमने पढ़ रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ, डे बाई डे मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्या करें एंड कहाँ से करें, कहाँ से मेरे को सब कुछ मटेरियल मिलेगा, कहाँ से मेरे को बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, मेरे को कुछ मॉक टेस्ट ज्वाइन करने हैं, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना है, बहुत सारे ऐसे सवाल इस रिलेटेड टॉपिक से मेरे को आता है। एंड आई फील कि ये एक वीडियो आपके लिए ज़रूर बनना चाहिए कि कहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है, कहाँ क्या प्रैक्टिस करना है एंड अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ एक वीडियो के अंदर अंदर मैं बताऊँगा। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को थोड़ा एंड तक देखना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को स्पीड 1.5x या फिर 2x जो आपके पसंद है कर दो, लेकिन एंड तक देखो, आपके पास सारे डाउट क्लियर हो जाएगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट आपके पास नहीं रहेगा, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ। एंड ऑल्सो आपके पास जितने सारे ऑप्शंस होंगे, आपके पास कोचिंग के ऑप्शंस होंगे, आपके पास ऑनलाइन मटेरियल के ऑप्शंस होंगे, ऑफलाइन कोचिंग है, ऑफलाइन मटेरियल से, तो सारी चीज़ के बीच में किसी एक चीज़ को पर्टिकुलरली डिसाइड करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस वीडियो देखने के बाद ये पूरा चीज़ के बारे में आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। तो इसके बाद आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि व्हाट आई नीड टू डू एंड व्हिच डायरेक्शन आई नीड टू फॉलो। ओके, तो हम पहले बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है एंड नॉट ओनली आपके पास, सबके पास ये अवेलेबल है। आप क्या क्या चीज़ फॉलो कर सकते हो जिससे आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रैक्टिस मटेरियल मिले एंड जो इफेक्टिवली आपको हेल्प करेंगे गेट एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बाद में हम बात करेंगे थोड़ा बहुत पेड रिसोर्स का कि कौन सी कोचिंग सेंटर की क्या क्या मटेरियल आपको लेना है, अगर लेना है कि नहीं लेना है, सारे चीज मैं बाद में बात करूंगा। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू थैंक आयन एकेडमी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। तो आयन एकेडमी रिसेंटली लॉन्च कर रहे हैं नया बैचेस फॉर द फॉलोइंग 4 डिफरेंट ब्रांचेस लाइक सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस। तो अगर आप एक गेट एस्पिरेंट्स हो एंड वांट टू अपीयर इन गेट एज वेल एज ईएससी इन 2022 और 2023, तो ये बैच आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। इसमें लाइव क्लासेस के साथ साथ बहुत सारे डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेगा फ्रॉम द एक्सपर्ट फैकल्टीज, एज यू कैन ऑलरेडी सी। ऑल द लिंक्स ऑफ द बैचेस आर गिवन इन माय डिस्क्रिप्शन, यू कैन इजीली चेक दिस आउट। एंड ऑल्सो यू कैन गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट इफ यू यूज माई कोड मनीष मजुमदार। एंड ऑल्सो हर संडे आयन एकेडमी कंडक्ट करते हैं आयन एकेडमी कॉम्बैट, जो कि गेट एग्जाम के लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट है। वहाँ पे 60 मिनट्स का टेस्ट होगा, 20 क्वेश्चंस होगा। तो इफ़ यू वांट स्पेशल स्कॉलरशिप फ्रॉम आयन एकेडमी, यू कैन जॉइन दिस टेस्ट। एंड ऑल्सो द सेम थिंग अप्लाइज हियर, इफ यू यूज माय कोड मनीष मजुमदार यू कैन गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ। सो विद आयन एकेडमी लेट्स क्रैक इट। तो द नंबर वन रिसोर्स दैट इज कम्प्लीटली फ्री इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन और द एक्सरसाइज सेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। देखो, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एक ऐसी चीज़ है, लोग बहुत इसको अंडर एस्टिमेट करते, अंडररेटेड चीज़ है। लोग मानते हैं कि यार हम इस कोचिंग में ज्वाइन कर लेते तो इसके बाद हम लोगों का बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, सारी चीज़ मिल जाएगा। हाँ, मिल तो जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा कोचिंग से, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा प्रोफेसर आपको हर चीज़ ज़्यादा डिटेल में समझा रहा है, तो दैट इज़ रियली ग्रेट। बट आप उनका वीडियो देखने के बाद अगर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉलो करेंगे तो आपके पास एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। एंड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज सेक्शन है, वो बहुत ही एक हाई लेवल नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है, जो आपने एक चैप्टर में पढ़ा था अभी अभी, उस सब्जेक्ट का सारे के सारे नॉलेज आपको एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएगा। एंड मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूँ कि आप अगर प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन फॉलो करोगे तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक क्वेश्चन एग्जाम्पल्स। तो आप समझ सकते हो कितना वाइटल होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज सेक्शन। हम ऐसे एक्सरसाइज को तो नहीं करते, हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को ठीक से नहीं भी पढ़ते एंड एक्सरसाइज तो दूर की बात है। तो अगर आप गेट की प्रीवियस के क्वेश्चन देखोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ थिंकिंग एबिलिटी टेस्ट होगा। एवरी क्वेश्चन इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन, ठीक है? आपको दिमाग लगाना होगा क्वेश्चन में एंड आपको जो नॉलेज सब्जेक्ट में है उस सारे नॉलेज एक क्वेश्चन के अंदर अंदर आपको देना होगा। एंड नॉट ओनली जस्ट वन सब्जेक्ट्स नॉलेज, एक क्वेश्चन ऐसी होते हैं कि आपको एक दो तीन भी सब्जेक्ट का नॉलेज एक साथ अप्लाई करना होगा एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। गेट में सारे ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते कि वन लाइन क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देख के आंसर मिल जाएगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन आ भी जाता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको टेस्ट करेंगे, आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे, आपकी एबिलिटी भी टेस्ट करेंगे कि आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर पा रहे हो, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो एंड आपकी आंसर मेकिंग कैपेबिलिटी भी टेस्ट करेंगे कि कैसे आपको एक क्वेश्चन का आंसर आपको निकल पा रहे हो। सो दिस ऑल थिंग्स आर कमिंग इन अ सिंगल गेट क्वेश्चन। तो अगर इस टाइप की क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है
आपको पहले टेक्स्ट बुक का सारे के सारे नॉलेज पढ़ना है। आप चाहे कितना वीडियो देख लो, कितना कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कर लो, एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा परफेक्टली इफ यू रीड द टेक्स्ट बुक एंड आफ्टर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ अ टेक्स्ट बुक। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसका क्वेश्चन सॉल्व करना, उतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट आपको टाइम देना है। आप रैंडमली कुछ ऐसे मॉक टेस्ट या फिर ऐसे कुछ कोचिंग सेंटर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो टेक्स्ट बुक है उनका एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, वो क्वेश्चन बाद में होगा। एंड आपको ये सॉल्व करने के बाद जो आइडिया होगा एक सब्जेक्ट के बारे में, जो आइडिया होगा एक टॉपिक के बारे में, जो डिटेल्ड आइडिया होगा, वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। ये मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूँ। तो द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड द एक्सरसाइज दैट इज गिवन इन द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। ओके, टॉकिंग अबाउट सेकंड मटेरियल, जिससे आपको फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा, वो है गेट की खुद का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये कैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल सकता है आपके लिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसोर्सेज है। आप चाहे गीक्स फॉर गीक्स उठा लो, गीक्स फॉर गीक्स में कंप्यूटर साइंस का हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से डिजाइंड है। तो जाओ उनको पहले सॉल्व कर लो, और हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने से बाद आपको पता लग जाएगा कि एक क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट होता है ना, एक क्वेश्चन कितना आपको जज कर रहे हैं, कितना आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो। तो ऑल दिस गेट क्वेश्चंस आर मेड इन दिस वे, आपको वो टेस्ट करेंगे। गेट इज जस्ट 100 मार्क्स एग्जाम, ऐसे नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बहुत ही डिफिकल्ट है गेट क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पहले प्रैक्टिस करने, एक सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करो, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डेफिनेटली सॉल्व करना है, उससे अच्छा कोई प्रैक्टिस मटेरियल नहीं हो सकता है। ये आपके लिए कितना वैल्यूएबल होगा आपको पता भी नहीं है। मेरे सारे जो प्रीवियस वीडियो है, सारे जो गेट रिलेटेड वीडियो है, गेट प्लेलिस्ट मैं नीचे लिंक पे दे दूंगा। सारे वीडियो में आप एक चीज कॉमन देखोगे कि मैं हर वीडियो में एक बार ना एक बार आपको बोलता हूँ कि गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके अलावा आपको कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम स्टार्टिंग से आप एंड तक, जो रिसेंट 2020 वाला एग्जाम है या फिर 2021 का एग्जाम है, आप पहले देखो, आप पहले प्रैक्टिस करो उनको, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि असली रियलिटी क्या है एंड कैसे गेट में क्वेश्चन आते हैं, किस डिफिकल्टी लेवल से क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छे मटेरियल है गेट ओवरफ्लो PDF। तो इस बुक में आपको सारे जो गेट क्वेश्चन है एकदम स्टार्टिंग से एंड तक सारे गेट क्वेश्चन मिलेगा। एंड द बेस्ट थिंग इज यहाँ का सॉल्यूशन इज द टॉप नॉच सॉल्यूशन, इससे अच्छा सॉल्यूशन कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। ये खुद स्टूडेंट ने सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिस स्टूडेंट गेट में रैंक कर रहे वो स्टूडेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड हर एक सॉल्यूशन डिटेल्ड आंसर के साथ आपके सामने पेश किया जाएगा। सो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू सॉल्व गेट प्रीवियस क्वेश्चन। उसके साथ साथ आप गीक्स फॉर गीक्स भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें भी ईयर टू ईयर टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस क्वेश्चन मिलेगा, बट एक्सप्लेनेशन के लिए आप गेट ओवरफ्लो PDF फॉलो कर सकते हो। गीक्स फॉर गीक्स में भी अच्छे एक्सप्लेनेशन है। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बहुत लोग मेरे को ये पूछते हैं कि भैया कौन सी कोचिंग सेंटर का किताब खरीदना है, कौन सी कोचिंग सेंटर का जो मटेरियल होता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मटेरियल वो प्रोवाइड करते हैं, उसको फॉलो करना है। तो अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में ज्वाइन कर रहे हो एंड वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज रियली ग्रेट, बट वो क्वेश्चन आप सॉल्व करो, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको गेट ओवरफ्लो PDF ही फॉलो करना है। ये सबसे अच्छी रिसोर्सेज है टू गेट ऑल द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट यू हैव टू डू दिस टू थिंग्स, आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना है जो हर एक चैप्टर का क्वेश्चन होता है, एंड सेकेंडली आपको गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर इन दोनों सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है एंड अगर आप और भी कुछ सॉल्व करना चाहते हो, तो कोई कोचिंग सेंटर या फिर कोई भी मतलब मॉक टेस्ट वाली सेक्शन से जाने से पहले आप पहले जो आपके पास फ्रीली अवेलेबल है उसको यूज़ करो। क्या क्या अवेलेबल है? TIFR, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एग्जाम होता है, TIFR का क्वेश्चन सॉल्व कर लो। गेट एग्जाम की सेम लेवल की क्वेश्चन होता है, सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, बट गेट से कहीं गुना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो TIFR का क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उसके बाद है ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उनका भी खुद का क्वेश्चन होता है, वो सॉल्व कर लो। उससे आपको पता लग जाएगा कि गेट कंप्यूटर साइंस का जो क्वेश्चन होता है उसमें एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे आएगा। उसके बाद है CMI, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, उसका भी अलग से एग्जाम होता है, उसका क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उसके बाद है वर्क फावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसके लिए भी अलग तरीके से एग्जाम होता है। तो TIFR, ISI, CMI एंड बार्क, इन चारों एग्जाम की जो क्वेश्चन सेट है वो आप प्रैक्टिस करो, जो लास्ट 5 से 10 साल के क्वेश्चन है अच्छे से प्रैक्टिस करो। गेट की पैटर्न की सेम लेवल की क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ पूरा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि
कितना डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन, कितना नॉलेज आपको मांग रहा है एक क्वेश्चन से, एंड कितना टेस्ट कर रहे हैं आपको, सारी चीज़ आपको पता लग जाएगा। तो ये हो गया आपके पास फ्री रिसोर्सेज जो कि मोर देन इनफ है, आपको इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप इसके अलावा भी कुछ कर सकते हो तो आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हो किसी कोचिंग सेंटर की। अगर आप एक सोलो लर्नर हो, आपकी खुद का प्रिपरेशन खुद कर रहे हो, तो आप मॉक टेस्ट खरीद सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। आप अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है तो आप खरीद सकते हो, एंड उनका सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ पेपर दो, कोई सब्जेक्ट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो फ्री रिसोर्स है उसके आपको अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी किसी कोचिंग सेंटर में हो तो उनका जो मॉक टेस्ट है वो आपको फ्रीली प्रोवाइड कर दिया जाएगा उन पैकेज के अंदर। तो आपके पास जो सब्जेक्ट या फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो आप स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं उसको प्रैक्टिस करने का। क्वेश्चन इज़ नॉट एज कम्पेयर टू द गेट लेवल, कि दोस्त क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल गेट क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल से बहुत नीचे है, एंड दिस क्वेश्चन आर रियली सिंपल। एंड कुछ क्वेश्चन आप ऐसे भी देखोगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन होता है, उनका ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके डेटा चेंज करके वो दे देते हैं, एंड आपको लगता है ये क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट है। बट अगर आपको गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से आता है तो आपको इजीली पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन तो उस साल में ऑलरेडी आए थे गेट में, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी उस साल की गेट क्वेश्चन का एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, तो आपको अच्छे से पता लग जाए। तो इसीलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि अगर आपको पेड रिसोर्स लेना है, आप पहले फ्री रिसोर्स पूरा प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको अगर पेड लेने का अफोर्डेबिलिटी है तो आप डेफिनेट पेड खरीद सकते हो। फुल लेंथ टेस्ट देने के लिए आपको पेड रिसोर्स ऑब्वियसली नेसेसरी है। तो अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है पेड रिसोर्स करने के लिए, तो आप फ्री रिसोर्स से आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपकी फुल लेंथ टेस्ट देना है, आपके पास मॉक टेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं, आप प्रीवियस गेट क्वेश्चन को एक एक पेपर मान के फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हो, तो दैट विल बी मोर देन इनफ टू कंप्लीट ऑल योर गेट प्रिपरेशन। तो बस दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई वॉन्ट टू शेयर सम इनसाइट, सम वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टू यू, एंड आई होप आपको इस वाले वीडियो से बहुत कुछ जानने को एंड सीखने को मिला कि क्या क्या फ्री रिसोर्सेज है आपके पास फॉर गेट कंप्यूटर साइंस। तो अगर आपकी कोई क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट इट डाउन, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा एक लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, तो अगर उनको भी पता चल जाएगा कि क्या क्या फ्री रिसोर्सेज है। एंड इस टाइप की और भी वीडियो पाने के लिए अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल्सो प्लीज हिट द बेल आइकन। तो बस आज की वीडियो इतना ही, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाई।